नमस्कार दोस्तों, जस और आरव गार्डन में फिर से आपका स्वागत है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अपने फ़ोन में यूट्यूब खोलिए और फिर जस और आरव गार्डन सर्च मारिए। देखिए, ये मेरा लोगो आ गया है, मेरा चैनल, इस पर क्लिक कीजिए। अब ये देखिए, यहाँ पे रेड कलर का बटन आ रहा है, यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। और उसके बाद ये जो घंटी दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक कीजिए। इस घंटी पे क्लिक करने से क्या होगा कि आपके पास मैं जो भी वीडियो डालूंगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप वो वीडियो देख सकते हैं डेली अपडेट के लिए। तो चलिए, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ गोमफ्रेना प्लांट के सीड्स कैसे कलेक्ट करें। देखिए दोस्तों, ये मेरा गोमफ्रेना का प्लांट है और इस पर काफ़ी सारे फ्लावर्स आए हुए हैं और काफ़ी हेल्थी प्लांट दिख रहा है ये। और दोस्तों, हम बताएंगे कि हम इसके सीड्स कैसे कलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें से जो ये तो काफ़ी फ्लावर्स जो हैं वो छोटे हैं और काफ़ी फ्लावर्स बड़े हो गए हैं, जिसके हम सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें हम जो सबसे बड़ा जो फ्लावर्स है, जो उनको लेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। दोस्तों, ये सबसे बड़ा फ्लावर है, इसके जो फ्लावर्स है इससे ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, वैसे साइज के होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका जो साइज है, सबसे बड़ा साइज है, हम इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे। और दोस्तों, ये आप देख रहे हैं साइड में जो वाइट वाइट कलर के हैं हो गए हैं, तो ये समझ लो हम इसके सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं, ये पक गए हैं। देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, इस फ्लावर को रिमूव करके और एक दिन धूप में सुखाना है। जब ये सूख जाएंगे तो इनके जो साइड के जो भी सीड्स हैं, हम सभी को हाथ से उनको निकाल लेंगे, देखिए जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और दोस्तों, ये जो नीचे गिर रहे हैं, ये गोमफ्रेना के सीड्स हैं सभी। हम इसको अभी ग्रो नहीं कर सकते, हम इनको एक पैकेट में पैक करके रख देंगे। और जो नेक्स्ट सीजन आएगा, ये गर्मियों के फ्लावर है, समर प्लांट है, तो हम इनको मार्च में ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों, इसका जो लगाने का जो सॉइल होता है, वो नॉर्मल जो हमारा गार्डन का जो सॉइल होता है, उसी में ये ग्रो करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।